सारे हाल सजना दे। जियो जियो जिंदाबाद जियो। आ सारे हाल सजना देखवाऊं, आ सारे हाल सजना देखवाऊं, अपनी अखियां नाल सजना देखवाऊं। ते दोस्त आंदे पैन हुन उन्हां दा बंदा दिल भी नहीं दुखा सकदा कि एक बंदा इतनी हसरत ख्वाहिश गिन के आए इतने दूरों आए तो उसनू टाइम देवना भी जरूरी है। पर हाल चर देवे ते नाल ही नाल मैं शुक्र गुजार हाँ भाई बासित नहीं मींदा खास तौर पर कि जिन्हें बाहर के जिले तू आके मेरे को आए मेरे घर आए तोड़ मतलब इतना नामवार बंदा थी के तो उन्हें मैं जे गरीब दे घर आए मेरी। अस्सलाम वालेकुम मारका ता मार उस्ताद हिकरी वत नवे रंग नवे ढंग नवी गल नवी बात थोड़ी खिदमत रहे दोस्तों जी थोड़े नाल वादा होना है साडा कि मियाँ आली नी मशहूर महरूफ शख्सियात नाल ही थोड़ी कें कें मुलाकात करवेने तो जी ईद ना असा थोको आखा थोको एक सरप्राइज दिसा तो तुसा डिठो सी ईद ने दौरान जेरी चीज ज्यादा फेमस रही है टिकटॉक ते फेसबुक या दीगर सोशल मीडिया ने जितनी ऐप्स हैं सारा ते ओवरऑल जेरी चीज हिट रही है बल्कि एक अद्धी पोस्ट तो मैं इह जई भी डिठी है के मियाँ वाली अगे मियाँ वाली आले किथाई अपने शहर तो बाहर होना तो उन्होंने पहचान होनी आई भाई इमरान खान ने शहर नया या अतौला इस खैलवी ने शार नया ते अजकल साको ये दसना पोसी के भाई महबूब हाशमी ने शार नया तो जिये थोको पता लग गया उसी के मैं गल कह नहीं करे ना प्या जींदा मिल वाजा के महबूब हाशमी तो जींदा साकू था मिल गए ते असा आखा इसे बहाने असा थोड़ी गल करवा हर जात इन्हां नी गल थी नहीं पई है हर जात इन्हां नी बात थी नहीं पई है तो आप केरे हालात जेन असा का थोड़ी उन्हां नाल गल बात भी करवेने आ जी। अस्सलाम अलैकुम महबूब भाई। वालेकुम सलाम जी। महबूब भाई तुसा डिठे असा तो तकरीबन फेसबुक हलां महबूब हाशमी उस तो इलावा टिकटॉक ते महबूब हाशमी उस तो इलावा जितनी सोशल होर ऐप्स हैं के महसूस करें तुसा अपना यानी कि एकदम इतनी पॉपुलरिटी इतनी फेमस इतनी इज़ो तवाम नी तरफो। अपने दामान शफात में छुपाए रखना अपने दामान शफात में छुपाए रखना मेरी सरकार मेरी बात बनाए रखना माना कि मैं निकम्मा हूँ मगर आप कहूँ माना कि मैं निकम्मा हूँ मगर आप कहूँ इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। अल्लाह पाक दा मैं लख लख शुक्र गुजार हाँ जिसमें कोई इतने काबिल समझे है जिसमें कोई इतनी इज्जत रीती है इस तो वड़ी इज्जत मैं बहु घट लोगों को डिठी है मिलती तो मैं गरीब जे बंदा अल्लाह पाक मेरे तराजी थी है उस वास्ते मैं कुछ दोस्तों का तुहानू तारफ कर रहा सी जिन्हें मेरे वास्ते इतना वर्क किया है उन्हें भाई अतीक खान यारू खैल मियाँ वाली तू उस तो बाद काशिफ अनोत्रा भाई अपने कुंदियाँ तू उस तो बाद मलिक साजिद तलोकर भाई चश्मा कलोनी तू नाल नाल भाई शहजाद जोराबाद तू मतलब ढेर सारे दोस्त जेडे सोशल मीडिया ते मेरे वास्ते वर्क कर रहे हैं मेरे वास्ते सपोर्ट कर रहे हैं मैं उन्हां दा लख लख शुक्र अदा करे सा उन्हां मैं जे बंदे दी मतलब इतनी मदद कीती है ते तुहाडे तक मेरी आवाज़ पहुँची है मेरी तस्वीर पहुँची है नहीं तो इतना अज दे माहौल मतलब टी सी दा दौर है लोग मतलब के उस बंदे नहीं वेंदे जेरा कतरक मतलब नेड़े होंदे मतलब फरदा बंद होंदे जी हाँ ते मैं जे गरीब वास्ते इन बेलोस भाई साजिद होना बेलोस काम कीता है भाई वसीम खान तारका ना तू मशहूर है तारका स्टार उन्हें बड़ी मेरे वास्ते मतलब मेहनत कीती है अल्लाह पाक उन्हें चर देवे ते नाल ही नाल मैं शुक्र गुजार हाँ भाई बासित नहीं मींदा खास तौर पर कि जिन्हें बाहर के जिले तू आके मेरे को आए मेरे घर आए तोड़ मतलब इतना नामवार बंदा थी के
ते उन मैं जे गरीब दे घर आए मेरी इज्जत की ने हौसला अफजाई की ने और वस लगता उन्हें जितना हो सकता है वो मेरे नाल तावन भी करें देन माली तौर पर भी मैं बहु बहु उन्होंने शुक्र गुजार हाँ। तो अल्लाह पाक हर दोस्त भाई न मतलब मजीद तरक्या देवे जिन्हें मेरे वास्ते कोशिश की अल्लाह पाक तुम सलामत रखे तुसा तशरीफ गिना मैं तुहरे सारी टीम का मतलब के तुसा असद प्रोडक्शन कमर मुशानी तो तुसा तशरीफ गिना हो तुहरा बहुत बहुत शुक्रिया सारी टीम का शुक्रिया जी। तो नादरीन जी तुसा सुनने पे गल बात तू तुसा आको पता लगना पे उसी किती सादा सिफत इंसान यानी कि इस गहमा गहमी ने दौर ते आपो आप धड़ाबी ने दौर च एक बंदा जेरा सर्विस स्टेशन ते अपने काम च मगन है अपनी दिहाड़ी च मगन है ते उसने जहन च ऐसे अल्फाज आने जेरे यानी कि हर जहन ने हर बंदे ने जहन च नाक्षिका रहने इस दौर उन्हें ऐसी चीज सामने घेन के आए कि ईद ने इस कंपटीशन ने दौर तुसा डिठो सी जेरा गाना यानी कि हिट थे तो इन्होंने गीत है तो उस तो इलावा उस असाडे हाल सजना देख वन ता इन्हां यानी कि अपनी तस्वीर कशी उस की है कि बड़े पापुलर ते हिट शेर हजरात इन बल्कि सिंगर हजरात यानी कि जेरा कोलो ठीक ठाक उन्होंने अप्रोच है पहुँच है तो लेकिन इन्हां इन महदूद वसैल च ये चीज़ अवाम वास्ते पेश की है जेरी हिट रही है तो अवाम कोई यानी कि इन्होंने बारे यानी कि हीरे लिखे ने पैन तो इन्होंने बारे थोड़ा बहु सोचना चाहिए उस तो इलावा जेरे सिंगर्स हजरात इन लखा अरबा बल्कि करोड़ा कमाने पैन तो उन्हें को ही सोचना चाहिए कि शेर हजरात यानी कि महदूद वसैल च उन्हें को इतनी बेहतरीन शायरी लिख के देने उस तो इलावा इस गीत नी कंपोजिंग आई या जेरी धुनी आई उई इन्हा नी आई ता इस एडी सोनी तरोज ते एडी सोनी शायरी घिन के आने वाला ने बारी थोड़ा बहु सोचना चाहिए इन्हा ने हालाती थोड़ी बहु नजरे करम करनी चाहिए ता उस तो इलावा मजीद ओके यानी कि ये गाना तो थोड़ा यानी कि आको चक्रीम आको चाहे इसको या ब्रेवो मैं इसको कहता ठीक है तो इस तो इलावा पहले कोई अपने कैरियर ने बारे दसो किन्ने शुरू कीता किन्ने पहली शहरी जहन चाहिए के कोई हादसा थिया आई कोई हां सट पए कि थाई या के चक्कू रही देखा थोड़ा जेती रोशनी पाओ दोस्त अमर भाई कोई वड़ा हासा मैं ना आखदा मैं सिर्फ घर दे मतलब हालात भेणा भिरा वालदैन शुरू तो मतलब गुरबत उसे आया कि मेरे वाले मेरी माशाल्लाह आठ हमशीरान त्रै भाई असे वाले साहब एक इमाम मस्जिद थी के तो साहब देते पे आज इतना हराम चाहे उस तो पीछे तो समझो तो मतलब वाले साहब ना मेरे खुशी थी कि वाले साहब ना हराम तो बचे रहे उन्हें सारे वास्ते रुपये रुपया मतलब हलाल तक कमा के उन्हें औखा वक्त गुजार के साकू जितनी तालीम दे सकते हैं फर दे उन्हें साकू तालीम दी और अल्लाह लख लख शुक्र है आज इतने तक मतलब मैं भी कोशिश की थी कि भेड़ा बिरावा को नार रख के सारा सिलसिला चलाई रखे शायर बने तो बस अपने हालात की वजह तू शायर बने बाकी कोई ऐसा यानी कि जिंदगी ने हालात या उलझना या परेशानियां उसने तुसा अपनी शायरी ने विच तस्वीर कशी की थी है ते उस तो अलावा यानी कि थोड़ा जी आपने तुसा थोड़ा ना को ताँ के पता लगे इस तो पहले केरे केरे गीत यानी कि थोड़े मैं केरे केरे सिंगरां ते केरे केरे गाने गए क्योंकि मैं अगर दसेसा तो हो रही थी ऐसी गल तुसा अपनी जबानी दसो केरे केरे सिंगरां थोड़े गीत गए ते केरे केरे गाने सर अल्लाह पाक जन्नत देवे भाई शफी व तखैलवी साहब जी मरहूम अब्दुल सतार जख्मी साहब जी उन्हें तो बाद अता मोहम्मद न्याजी दाऊद खैलवी साहब इन्हें मेरा कलाम गाए सीनियर फनकार जो ते उस तो बाद सारे जड़े आजकल दे सिंगर मौजूदा चलते पे उन्हें विच भाई शराफत अली खान साहब जी 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 बलोच साहब बड़ा नाम है उन्हें दे भाई अनवार साहब जी जी उन्हें तो बाद यासर खान मुसा खैलवी जी जी उन्हें माशाल्लाह शुरुआत मैं अगर मारी कीड़े आने तो भाई यासर खान मुसा खैलवी चिट्टे जे रंग ते ना पा काला चोला नमे फसाद गले घतुए डोला
ਫਸਾਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਨ ਕਥੇ ਤੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲੱਗ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਤਨਾ ਟਾਪ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਾ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਬਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜੀਂਦਾ ਮਿਲਵਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਲੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਜੀ ਜੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਜੇ ਰੰਗ ਤੇ ਨਾ ਪਾਕ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਉਹ ਮਤਲਬ 2001 ਚ ਆਇਆ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਯਾਸਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਯਾਸਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਸਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੀਤ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਮਹਿਬੂਬ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਆਵਾਮ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਆਵਾਮ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਚਿੱਟੇ ਜੇ ਰੰਗ ਤੇ ਨਾ ਪਾਕ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਨਵੇਂ ਫਸਾਦ ਕਰੇ ਡੋਲਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਘੀ ਚ ਕਰੇ ਦਿਲ ਪਰੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਦੇ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਬੁੱਢੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਤੇ ਕੁਰਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਛੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰ ਨਾ ਬਿਤੋਲਾ ਨਵੇਂ ਫਸਾਦ ਕਲੇ ਘਤੂ ਨੇ ਡੋਲਾ ਜੀ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੈਂ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇਰੀ ਇਤਨੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੀ 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 ਉਹ ਗੀਤ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਾਚੀ NMC ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਕੈਸਟ ਦਾ ਦੌਰ ਆਈ ਤਾਂ ਹਮੀਦ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਉਹ ਗੀਤ ਟਾਈਟਲ ਕੀਤਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਰੱਖਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਚੰਗੇ ਉਹਦੇ ਐਲਬਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ ਤਿਸ਼ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆ ਰੋਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਟਾਈਟਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਈ ਮਹਿਬੂਬ ਹਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਂਗ ਘਰ ਵਾਂਗ ਕਾਪੀ ਨੋਟ ਕਰੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਖੇਲ ਬਣਦਾ ਉਹ ਘਰ ਵਾਂਗ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਟਿਊਨ ਸ਼ਿਊਨ ਕੀਤੀ ਵਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਖੜਾ ਅੰਤਰਾ ਇਲਹਾਮ ਥੀਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮਤਲਬ ਮੁਖੜੇ ਅੰਤਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਉਸਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵਤ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਦੋ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਮੁਤਮੈਨ ਥੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸਿੰਗਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਈ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਕਿਤਨੀ ਭਾਈ ਤਾਲੀਮ ਬਸ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਿਸ ਥੀ ਗਈ ਆਈ ਬਾਕੀ ਓਵਰਆਲ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਆਈ ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ 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 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਬਸ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਬਾਰਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਨੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਕੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਸਿਆਣ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਕਰਾ ਜਿੰਨੇ ਖੁੱਲ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਕ ਟਾਕ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲੇ ਬਈ ਜੀਂਦਾ ਮਿਲਵਾ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਬੂਬ ਹਾਸ਼ਮੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਸੁਣ ਵਸਾਂ ਅਸਾਡੇ ਹਾਲ ਸਜਣਾ ਦੇਖਵਾਈ ਅਸਾਡੇ ਹਾਲ ਸਜਣਾ ਦੇਖਵਾਈ ਅਸਾਡੇ ਹਾਲ ਸਜਣਾ ਦੇਖਵਾਈ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਣਾ ਦੇਖਵਾਈ ਜਿੰਦਾ ਮਿਲਵਾਂ ਕੇ ਮਹਿਬੂਬ ਹਾਸ਼ਮੀ ਜਿੰਦਾ ਮਿਲਵਾਂ ਕੇ ਮਹਿਬੂਬ ਹਾਸ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਬਚਣ ਮਹਾਲ ਸਜਣਾ ਦੇਖਵਾਈ ਅਸਾਡੇ ਹਾਲ ਸਜਣਾ ਦੇਖਵਾਈ।
जियो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो महबूब भाई साढ़े नाल मौजूद हैं। तो इतने एक होर गल मैं पूछा कि क्योंकि ईद तो फौरन बाद थोड़ी या ईद की एक दिहाड़ शायद छुट्टी हो उस तो बाद काम कार शुरू थी गया उसी। तो ये गाना जिन्हें चले तो बंदे तो आवने शुरू थी गए उस थोड़े को मुख्तलिफ चैनल्स ही हैं बड़े दोस्त आए उस टिकटॉक ही बनवाण अगे पिछे। तो कोई इस ते कोई दुश्वारी तो महसूस नहीं थी नहीं कि बल्कि खुश खुशी आनी हो थी लेकिन काम में थोड़ी बहुत रुकावट तो आनी। तो दोस्त आंदे पैन हुण उन्हां दा बंदा दिल भी नहीं दुखा सकता कि एक बंदा इतनी हसरत ख्वाहिश गिन के आए इतने दूरों आए तो उसनू टाइम देना भी जरूरी है। पर मेरा वर के कोशिश करता पाया नाल दे लेबर नू मतलब उन्होंने अपील की थी कि भाई गुजारा करे सो तो सब भी काम नाल चलाई रखो ते मैं भी उन्होंने नाल ना जी मतलब रिलीजिंग तो बाद ना जी जी मतलब कहनु जे पता कोना गाना मार्केट इज आए जी जी नहीं आया दोस्तों नु कोना ही पता ना जी जी गाना चलता रहे आवाम आसे पास लगती रही कोई ओ कोनी जीवे जीवे तारिक बिरा वसीम खान और तारिक तारका जी जी उन्होंने इंटरव्यू पहला है उन्होंने जीवे इंटरव्यू की तेने भाई तो मेरे वास्ते मतलब प्रॉब्लम बन गया कि आवाम दा काट होण लग गया हर आंदा वेंदा बंदा हुण तारिक भाई नु मैं आ सक मेनू हेलमेट दे कि मैं हेलमेट पा के यानी कि छम छम मिलिए। ता आखिर ते अपने सुनण वाला को जे थवा को दिन रात यानी कि थारे नाल स्टेटस लेने पैन ठीक है लखन ही तदाद है जोन तो थारे चाहण वाले ठीक है ता उना कान कोई पैगाम देवना चाहो ना को गल आखना चाहो अमर भाई मेरे इंटरव्यू जिस टाइम अपलोड होए ना तो उस मतलब रिस्पांस अच्छा मिलता पे कुछ दोस्त गलतफहमी दा शिकार थे के मकसद सारा इंटरव्यू दा खतुखार कुछ हो रन मतलब होर किता गया उस तो कुछ दोस्तों दी मतलब दिल आजारी हुई मैं उस दी वजाहत करे सा के मेरे भाई सारे मेरे वास्ते सिर्फ दुआ करते रहो मेनू तुहारियां दुआवां दी जरूरत है। दूजा मैं अपनी मजदूरी करके सारा घर दा सरपट जित में चलता पे अल्लाह पाक मेरे चलेंदा पे कुछ दोस्त मेरे ते इतराज कीते कि भाई तय मतलब मंगण वाला काम नहीं करना तो उस दिन मैं विजात करें कि मैंने किसी चीज की लोड़ कोनी तुम्हारी मोहब्बत की लोड़ है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं जी अगर तुसा को अगर इस चीज से इतराज करना है ना कोई येरा आर्टिस्ट है फनकार है उसनी कलों में चो उसने जहन चो या उसने अल्फाज चो जेरी चीज निकल आ रही है तो उसने इस दुनिया से मैं कहना कोई कीमत ही कोनी कोई ये एक अनमोल हीरे है इसने अगर कोई चावे ना कोई तुसा मंगोड़ना काम कीते जाओ बल्कि इसने जितना कोई रेट लावे प्या इसने कोई रेट नहीं ला सकना कोई मूल नहीं पा सकना। आखुण ना मकसद ये है मैं इतने थोड़ी जी वजात करे सा उस इंटरव्यू ची ते ऐसा ही एक सा एक ये साडे हीरोइन मैं कहना साडा यानी कि कीमती असासा इन जिला मियां वाली ना बल्कि पूरे सरेकी खित्ते ना जेरे सरेकी लिखे ने सरेकी सुनने ते सरेकी गाने ए उना ना ही कीमती असासन ता उस चीज ना हिक यानी के केयर करना चाहिए उसना ख्याल करना चाहिए बल्कि उसना हौसला अफजाई करनी चाहिए ठीक है उसको असा हौसला अफजाई तो आख सकते हैं उसको असा यानी के हिम्मत वधाउन कान या अप्रिशिएट करन कान या दात असा आख सकते हैं इसको असा किराई ते खैरात या मंगना ना आख सकने क्योंकि इसनी ये एक अनमोल चीज है इसना कोई मूल ही कोनी। सर मेरी बस सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि जेड़े हजरात मतलब अच्छे ओहदन ते बैठन मेरे वास्ते अगर उन को इतना थी सके कि मैं किसी सरकारी महकमे छोटी जी मतलब नौकरी मिल सकती है तो मैं इस दी अपील करे सा कि मैं अपने मतलब अपने कमाया होया मैं खावा मैं बच्चा अपना कमा के देवा ना कि किसी दे मातहत रहा मैं सिर्फ अपने जमीर का मेरा फैसला है कि मैं सिर्फ अपनी नौकरी वास्ते कोशिश करता पाया कि किसी जरिए कितने आड़वा बाकी मैं तुम्हें पहले दसे ऑफ कैमरा कि मैं लाले को 2010 लाला अतौले ईसा खेलवी साहब को गया उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई मैं मतलब बेरोजगार जब बंदा ते तालीम कोनी ते तुसा कोशिश करो कि तुम्हारी वी ना अप्रोच है तुसा मैनू कितने अड़ाओ तो लाले उन्हें आखा कि भाई तेरा हुनर कोई जान दें मतलब कुकिंग का काम जान दें मैं आखा नहीं उन्हें आखा कोई मतलब ड्राइविंग जान दें मैं आखा सर नहीं तो उन्हें आखा शाह जी मैं माजरत करे सा काश के मतलब उस टाइम दौरे हुकूमत आसिफ जरदारी था तो उन्हें मैंने आखा कि शाह जी मैं अगर आसिफ जरदारी होवा तो मैं तुम्हें अच्छे तो अच्छा अहदा दे सका काश के मैं कुछ कर सकता मैं माजरत करे सा मेरे बस नाराज न थे मतलब उन्हें माजरत की थी उस दे बावजूद अतौले से खैलवी मेरी जान इन मेरी शान इन मैनू बड़ा उन्होंने मोहब्बत है प्यार है
आखिरी मैं थोड़े शार्ट काट के भाई अतौला सखेलवी मेरी हसरत आई ख्वाहिश आई कि जिंदगी जगर मेरा कोई कलाम गावे तो अतौला सखेलवी गावे ते ओ मेरी ख्वाहिश हालत ही पूरी नहीं थी सकी ते मैं दुआ गोहा जी दुआ गोहा बासित नईमी भाई वास्ते जिन्हें मेरू मतलब इतनी जितनी उम्मीद आई अतौला सखेलवी जितना मतलब मकाम मैनू ना सोना खान बेवास अफजल आजिद मजहर न्याजी साबिर भरियों उन्हें जितना मैनू मतलब इज्जत उन्हें दे दीती इस तो वे मेरे वास्ते घट मकाम नहीं बस इतना ही भाई तो मैं बार बार मतलब इस वास्ते ना चाहता पाया कि उन्हें मेरे नाल काफ़ी पुराना तलक है उन्हें मेरे नाल जितना हो सकते तावन करें दें तो मैं उन्होंने शुक्रगुजार हाँ अल्लाह पाक उन्होंने तो फैल मैनू मतलब शोहरत दी है तो मेरे वजह तो अगर उन्होंने शोहरत मिली है तो तुम्हारी मुहब्बत तुम मेरे तक पहुँचे हो अल्लाह पाक तुम्हें सलामत रखे मैं मियाँ वाली चश्मा कलोनी पेट्रोल पंप से ड्यूटी करदा सारे अपने शायर फिरा हजरात सिंगर हजरात जेड़े मेरे नाल राबता करना चाहसन मैं उन्होंने वास्ते तैयार हाँ कोई इतराज कोनी ते सिर्फ हेल्प मेरा मकसद यो ही आई कि मतलब शायरी जेड़ी मेरे को गिनो तो उसकी पेमेंट करो बाकी मैं कोई मतलब अहले बैत नाल मेरा तलक है मैं मेरे तेना सदका खैरात लगती है मैं अल्लाह पाक का लख लख शुक्र है मेरा अच्छा गुजारा सिलसिला चलता पे ते सिर्फ पेमेंट वो गीत दी गल हुई है कि भाई गीतन दी जड़े गीत घिन के वेंदन वो मेरी पेमेंट करन इस टाइम मियाँ इन्नी मशहूर हस्ती मैं आखा जा बल्कि मशहूर और मारूफ हस्ती बल्कि जे टॉप ट्रेंड से आई महबूब हाशमी शहर उन्हें नाल असां थवाड़ी गलबात कराई है उसने जिंदगी ने हालात डिस्कस थे उस तो बाद उन्होंने कैरियर डिस्कस थे मुख्तलिफ चीजा उन्होंने नाल असां डिस्कस की थी उन्होंने आवाज उन्होंने लिखा हुआ गीत भी सुनवाए यानी कि इसको देख के तुसा एक चीज साडे सामने नजर आनी है कि जेरे सारे सिंगर्स हजरात यानी कि वी आई पी प्रोटोकॉल च रहने लेकिन उन्होंने पिछो जेरी मेन उन्होंने मैं कहना मेन अक्सीजो ने जरा उन्होंने वो शहर हजरात किस केरे हालात थे कि जिंदगी गुजरे ने पहन तो इतने मैं सिंगर्स हजरात ने कोई रिक्वेस्ट करे सा कि कम उज कम तुसा जहनी तौर पर इन्ह चीजा को समझना लिया कि जरा कलाम तुसा उन्होंने को घिरने आओ तो उस जितना था को मुल लगना है वो तुसा यानी कि तुसा इस चीज को समझो ना लियाओ कि इसने पिछो कितनी एनर्जी या कितनी कोशिशें होनी है तो उसने कम से कम तुसा जितना हक बनना है वो लाजमी अदा करो ज्यादा नहीं यानी कि जितना तुसा हक बनना है वो तो कम से कम तुसा उन्हें को अदा करो ज्यादा नहीं डिमांड कोनी उस तो अलावा जरा ना हकूमती नुमाइंदगान को ही सारी रिक्वेस्ट की है जे शहर हजरात इन्होंने हौसला अफजाई की जाए ता कि जरा सा सरेकी अदब है इस मजीद निखार आवे ते मजीद नवे नवे कलाम सारे सामने आउन उस तो इलावा ओ दोस्त जेरा को बड़ी यानी के छिक आई भाई महबूब हाशमी ना मार उस्ताद इंटरव्यू करे ता आज ते थवाड़ी ओ इनी असा पूरी कर दीती है थवाड़ी ख्वाहिश असा पूरी कर दीती है ते इंशाल्लाह साडे चैनल नाल तुसा जुड़े रहो वीडियो लाजमी देखनी है ते अपने दोस्तां ताईं ये वीडियो पुछे सो ताकि जेरे ओ दोस्त जेरे सारे जे चैनल ना हिस्सा नहीं पड़े उन्हां तक ये सारी वीडियो पहुंचे अगली वीडियो तक अमार उस्ताद को दियो इजाजत लोकां दी खैर झोकां दी खैर दाला पा साडे चैनल थोड़ा